क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। वो भाग गया। सब उसे ढूंढ रहे हैं। उनको तो मैं ही पकड़ूंगा। पठान रिलीज के बाद कैसा था ऑडियंस का रिएक्शन? ऑडियंस को क्या पसंद आया और क्या क्या पसंद नहीं आया? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। चलिए, सबका इंतजार खत्म हुआ और फाइनली 25 जनवरी का दिन आ ही गया। पठान की रिलीज को लेकर इतनी सुर्खियां, ट्रोलिंग, कंट्रोवर्सीज थी कि फैंस सच में एक्साइटेड थे फिल्म देखने के लिए। और अब फाइनली दोस्तों फिल्म रिलीज हो चुकी है। तो फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, फिल्म रिव्यूज। दोस्तों, मॉर्निंग शोज देखने के बाद लोगों ने कहा कि फिल्म सच में काफी दमदार है और शाहरुख खान का एक्शन अवतार उन्हें काफी भा गया और पसंद भी आया। सुबह 7 बजे का शो देखने वाले फैंस ने दीपिका, शाहरुख और जॉन अब्राहम को ग्रीन सिग्नल दे दिया और कहा कि हमें ये पठान जबरदस्त लगा। वैसे पठान 2 आइडियोलॉजी की कहानी है, एक तो देश पर अपनी जान छिड़कने वाला रॉ एजेंट और दूसरी ओर अपने ही देश से गद्दारी करने वाला जिम। दोस्तों, इनके बीच की कहानी ऑडियंस को काफी पसंद आई, साथ ही साथ एक्शन और ड्रामा ने भरपूर तड़का लगाया है, ऐसा फैंस का कहना है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, पर दिल्ली में शाहरुख खान के फैंस ने बैंड बाजा लेकर थिएटर्स में एंट्री ली और खूब पटाखे फोड़े। थिएटर में फैंस लगभग 10 मिनट तक सीटियां बजा रहे थे। साथ ही इंटरवल के बाद की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है, जिसमें एक्शन के साथ साथ कॉमेडी अंदाज भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अब इस पठान को टेररिस्ट के चंगुल से बचाने के लिए टाइगर की एंट्री होती है, यानी कि सलमान खान, जिनका 10 मिनट का कैमियो भी बहुत ही दमदार रहा। अगर फैंस की रेटिंग की बात करें तो उन्होंने फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहके 5 में से 5 नंबर दे दिए हैं। जी हाँ, इसी के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन की भी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। उन्होंने बॉलीवुड में एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाई है, जिसके लिए उन्हें सराहा जा रहा है, उनकी काफी तारीफें हो रही हैं। दोस्तों, ये तो हो गई एक साइड, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट को लेकर कुछ खामियां बताई हैं। उन्हें स्क्रिप्ट इतनी अच्छी नहीं लगी और फिल्म में दिखाया गया मिशन इतना जबरदस्त नहीं लगा। अगर हमारे क्रिटिक्स की बात करें तो उन्होंने फिल्म को 3.5 रेटिंग दी है, क्योंकि छोटी मोटी खामियां कितनी भी हो, पर इंप्रेसिव डायलॉग, एक्शन, स्टार परफॉर्मेंस और डायरेक्शन की वजह से पठान इस लंबे इम्तिहान में पास हो गया है। तो पठान ने सबकी अच्छी मेहमान नवाजी की है, और अगर आपने इनकी मेहमान नवाजी का लाभ नहीं उठाया है तो जल्द से जल्द थिएटर में ये फिल्म जरूर देखिएगा और आपके रिव्यूज हमें जरूर बताइएगा। कहाँ? अरे भाई, कमेंट सेक्शन में। और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।